ज्यादा मुंबई खुलवा ज्यादा मुंबई खुलवा नमस्कार जी, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। राकेश टिकैत की हो चुकी है पिटाई, पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अपने आप को किसानों का मसीहा बताने वाले राकेश टिकैत की औकात क्या है आज सब कुछ सामने आ चुका है, क्योंकि पीयूष गोयल से छिड़ी बहस में हार चुके हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के मुंह से आवाज नहीं निकली है, क्योंकि पीयूष गोयल ने कुछ ऐसा किया। एक क्लिप बहुत जोर से वायरल हो रही है, एक क्लिप ऐसी है जिसमें पीयूष गोयल ने कहा था मुंह मत खुलवाओ। पीयूष गोयल के इस बयान से कह सकते हैं कि राकेश टिकैत की फटके हाथ में आ गई है, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या सचमुच राकेश टिकैत कौन है? ये राकेश टिकैत सबसे बड़ी बात ये है कौन? इन्होंने अपने आप को अपने बाप के नाम पर राजनीति करते वक्त इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम किसानों के साथ मिलकर अत्याचार करेंगे, और आज वही हो रहा है। बता दूं आपको, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बता दूं, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जारी है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बता दूं, ये वीडियो बैठक के बाद का, इसमें नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत करते दिखाई दे रहे। इस वीडियो में टिकैत केंद्रीय मंत्री से कुछ बोलते हैं कि जिसके बाद पीयूष गोयल कहते हैं कि सबकी लिस्ट है, मुंह मत खुलवाओ। इस वीडियो को पत्रकार रोहिणी सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, यानी कि कह सकते हैं कि रोहिणी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यही अहंकार का पतन का कारण बनता है। भाषा देखिए, सबकी लिस्ट में मत खुलवाओ। पीयूष जी, क्या आपकी लिस्ट नहीं है? किसी के पास सत्ता में बैठकर संस्थाओं पर कब्जा कर अक्सर लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मतलब इन लोगों की अपनी अपनी राय है, ये लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर राकेश टिकैत अगर पीटे जाते हैं, राकेश टिकैत अगर वहीं पर घसीट के मारे जाते हैं और प्रशासन उनको लताड़ता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। आज कुछ लोग हैं, यहाँ पर रावण की भी सेना थी, राम की भी सेना थी, तो कह सकते हैं कि अगर पीयूष गोयल का कुछ लोग साथ दे रहे हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं कहते हो तो ठीक है। रावण के पास भी सेना थी, भगवान राम के पास भी थी। सत्य और असत्य की लड़ाई आज से नहीं, आदि से चली आती है। अगर मुट्ठी भर लोग गलत रास्ते पे चलने लगते हैं तो हम ये नहीं समझ सकते कि दुनिया पूरी गलत रास्ते पे है। यानी कुछ लोग होते हैं, इसीलिए तो उन लोग के लिए मेरी कोई शब्द नहीं है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान बिल गलत है, किसान बिल के हम मसीहा हैं, हम किसानों के नेता हैं, ऐसा कह देने से कोई नेता नहीं बन जाता। जब तक पूरे भारत के किसान आपको नहीं चुन लेते हैं, तब तक आप उनके नेता कैसे? अगर आप हरियाणा के किसान हैं और उसमें से कोई लीडर बन गया है, तो क्या आप पूरे भारत देश किसान के नेता बन जाएंगे? ये गलत है। और आज पीयूष गोयल ने वही कहा था, लेकिन उसके बाद कुछ सोशल मीडिया के यूज़र्स ने कुछ अजीबोगरीब तरह की कहानी रची, उसके बाद लोगों के सामने पेश किया। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक कह सकते हैं कि ट्वीट भी, बहुत सारे ट्वीट आए जिनको मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इन लोग की बात को हम प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। ये लोग छोटी मोटी राजनीति करते हैं और देश को बर्बाद करने की बात करते हैं, इसलिए इन लोग के ट्वीट वगैरह हम आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, राकेश टिकैत कौन है, ये आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि
ना तो इन्हें किसानों ने चुना है और ना ही इसे किसी बड़े नेता ने इनको कह सकते हैं ये सब करने का अधिकार दिया है, बल्कि ये अपने मन के मुताबिक अपने पिता के भांत, जब इनके पिता कुछ थे तो आज ये भी कुछ बनने चले आए हैं और उसके बाद किसानों को अपना मसीहा बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि किसान आज रोड पर हैं, किसान भूखे हैं, किसान नंगे हैं, किसान बिल वापस हो तभी हम यहाँ से हटेंगे। तो उनके लिए ये कह सकते हैं कि सरकार उनकी बातों से झुकने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके बाप ने चुना है, उन्हें जनता ने नहीं चुना है, किसानों ने उनको नहीं चुना है, इसीलिए उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो आज कह सकते हैं कि लाइव शो में, लाइव डिबेट में कह सकते हैं, राकेश टिकैत और पीयूष गोयल ने ये बात कही है और उसके बाद राकेश टिकैत से पीयूष गोयल ने जिस तरह से कहा कि अभी मेरा मुंह मत खुलवाओ, हमारे पास लिस्ट है, तो इसके बाद से राकेश टिकैत की ये ब्रेकिंग बनने लगती है और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो सकता है। तो आज किसानों के हमदर्द का बैंड बज चुका है, क्योंकि ये सच्चे हमदर्द नहीं है, ये सीजन वाले लोग हैं जो खाने पीने और अपने आप को प्रमोट करने चले आते हैं और थोड़ा सा मीडिया में अपना चेहरा जमा लेने के कारण ये बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, ये नेता मंत्री बन जाते हैं, ये संविधान संचालन बन जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि सीजन चल रहा है, अभी बोल रहे नहीं तो ये कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, क्योंकि ये जनता है, जनता उसे चुनती है जो जनता की भलाई करता है, लेकिन जनता उसे कभी नहीं स्वीकार करती जो जनता के साथ क्रूरता करता है, जो जनता को गड्ढे में ढकेलता है। और आज कुछ नेता पहुंच चुके हैं किसान आंदोलन के बीच, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो खाक कुछ नहीं कर पाते वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज किसान आंदोलन के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा। तो आज कह सकते हैं कि पीयूष गोयल की ये डांट राकेश टिकैत को कैसी लगी होगी अपने शब्दों में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। MSP नहीं मिलेगी, हमारा मनसा स्पष्ट है कि MSP कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथा कथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है और चंद लोग वहाँ बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो कार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। MSP नहीं मिलेगी, हमारा मनसा स्पष्ट है कि MSP कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथा कथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है और चंद लोग वहाँ बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो कार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस लाएंगे।